हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके घर में अगर शहद है तो वो ओरिजिनल है या लोकल है। कैसे हम पहचान करें कि कोई शहद ओरिजिनल मिलता है या नकली मिल रहा है? मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ गए जो दावा करते हैं कि वो ओरिजिनल है। तो मैं आपको ऐसे 9 पॉइंट बताऊँगा जिससे आपको पता लगेगा कि वो ओरिजिनल है या लोकल है। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो पहला पॉइंट है कि एक शीशे में गिलास लें, उसमें पानी भर लें और उसमें 2-3 बूंद शहद डालें। अगर वो शहद एकदम से डूब जाता है तो वो शहद ओरिजिनल है, और ऊपर से ही वो घुलने लगता है तो वो शहद डुप्लीकेट है, लोकल है, क्योंकि ओरिजिनल शहद कभी तैरता नहीं है। नंबर 2 पॉइंट है, कुछ लोग आँखों में शहद डाल लेते हैं कि बोलते हैं कि आँखें उससे ठीक होती हैं या कुछ गंदगी होती निकल आती है। तो अगर आप आँखों में डाल के देखेंगे तो वो हल्का हल्का सा लगेगा, बट चिपचिपा बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर चिपचिपा लग रहा है तो वो शहद लोकल है, और अगर ऐसे ही हल्का फुल्का सा लग रहा है, जलन हो रही है, तो वो शहद। पॉइंट नंबर 3 है कि अगर शहद हम किसी रोटी वोटी में लगा के किसी कुत्ते को खिला रहे हैं तो अगर ओरिजिनल शहद होगा तो कुत्ता सूंघ के छोड़ देगा, खाएगा बिल्कुल नहीं, और अगर लोकल शहद होगा तो कुत्ता उसको चाटने लगेगा। नंबर 4 पॉइंट है कि अगर शहद में मक्खी फंस जाती है तो अगर ओरिजिनल शहद होगा तो मक्खी फड़फड़ाने के बाद निकल जरूर आएगी, वो उड़ जाएगी, और अगर लोकल शहद होगा तो वो उसी में डूबी रहेगी, बिल्कुल भी उड़ नहीं पाएगी। नंबर 5 पॉइंट है, शहद की कुछ बूंदें लेके अगर हम कपड़े पर लगाएंगे और उस कपड़े को फिर धो लें तो अगर कपड़े पर दाग रह जाता है तो वो शहद लोकल है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल शहद का कभी दाग नहीं पड़ता है कपड़े पे। शुद्ध शहद पारदर्शी होता है, उसमें आर पार का दिखाई देता है। अगर शीशे गिलास में कुछ पानी लेकर उसमें शहद को घोल दें हम, तो अगर ओरिजिनल शहद होगा तो आर पार दिखाई देगा, और लोकल शहद होगा तो उसमें आर पार दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। नंबर 7 पॉइंट है कि ब्लॉटिंग पेपर लें, उसमें थोड़ा सा शहद डालें, अगर शहद उस पर वो पेपर शहद को सोख लेता है तो वो शहद लोकल है, ओरिजिनल नहीं है, और अगर वो पेपर शहद को सोख नहीं पाता है, वो बूंद ऐसी रखी रहती है, तो वो शहद ओरिजिनल है। नंबर 8 पॉइंट है, एक लकड़ी लें छोटी सी, उसमें कॉटन रुई लपेटें थोड़ी सी, उसमें शहद लगा के उसको अगर आग लगाएंगे तो उसमें अगर आग लग जाए तो वो शहद ओरिजिनल है, और अगर वो शहद उसमें आग ना लगे तो वो शहद लोकल है। नंबर 9 पॉइंट है, शहद को अगर हम गिराएं किसी ग्लास से या किसी भी चीज़ से तो जब वो जिस जगह गिरेगा उस जगह कुंडली बनाते हुए गिरेगा, ये एकदम से नहीं गिरेगा और ऊपर उठा हुआ से देखेगा, तो ये ओरिजिनल शहद की पहचान है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपने घर पर देखा या नहीं देखा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।